अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। आई मायसेल्फ शेख सुमैया ऑन बिहाफ ऑफ SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल फ्रॉम स्टैंडर्ड सेकेंड विल गोइंग टू टीच यू टुडे सब्जेक्ट EVS। आवर टुडेज टॉपिक इज चैप्टर नंबर 1 माई बॉडी। We have completed 3 parts. Okay, now today is the 4th part and this is the exercise 1. Okay, हम लोगों ने आगे की 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, बराबर। पहले वीडियो में हम लोगों ने इंटरनल पार्ट्स के बारे में देखा था, एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में और इंटरनल पार्ट्स के बारे में समझा था कि क्या होते हैं, और ये हम लोगों ने यहाँ तक एक्सटर्नल पार्ट्स तक देखा था। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जो आधे इंटरनल पार्ट्स हम लोगों ने सेकेंड पार्ट्स में लिए थे, उसके बाद हम लोगों ने ये यहाँ तक सेकेंड पार्ट था हमारा। उसके बाद यहाँ से थर्ड पार्ट हम लोगों ने देखा, जो बाकी के इंटरनल पार्ट्स थे वो कवरअप हो गए थर्ड पार्ट में। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ तक हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। आज हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज देखने वाले हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको वर्कशीट सेंड करूँगी, उसमें आपको नोटबुक में लिखना है। अभी वर्कबुक में कोई काम नहीं करना है, वर्कबुक में से अभी आपको सिर्फ मैं एक्सप्लेन करवा रही हूँ, और वर्कशीट में से देख के आपको नोटबुक में कॉपी करना है। ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट अवर स्टडीज़। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज लिखा हुआ है। नंबर 1, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, है ना। T लिखना है किसके लिए? ट्रू के लिए। ट्रू यानी जो सही है, जो सही बात है उसके लिए हम ट्रू बोलेंगे, और ट्रू के लिए हम T लिखेंगे। और फॉल्स का मतलब होता है एंड F फॉर फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है जो गलत बात है उसको कहते हैं फॉल्स। ओके, तो उसके लिए हम F लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो नंबर 1 दिया हुआ है, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच कैन बी सीन आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स। क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। तो ये सही बात है, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे T। नंबर 2 है, द ब्रेन पम्प्स ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारी जो ब्रेन है ना, वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो क्या ये सही बात है? हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था कि हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, है ना, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो इसका मतलब ये गलत बात लिखी है यहाँ पर, ये ब्रेन के जगह पर हार्ट होना चाहिए था। तो उसके लिए हम लिखेंगे F यानी कि फॉल्स। नंबर 3 है, द हार्ट कीप्स द बॉडी अलाइव। हमारी बॉडी जो है उसको हार्ट जिंदा रखता है, है ना। हार्ट बीट हमारी चलती रहती है, और जब तक हम जिंदा है तब तक हमारी हार्ट बीट कंटिन्यूस चलती है। और अगर कोई मर गया है तो कैसे पता चलेगा कि भाई उसकी हार्ट बीट बंद हो गई है, बराबर। तो यहाँ पर ये सही बात है कि हमारा जो हार्ट है वो हमें जिंदा रखता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे T। नंबर 4 पर है, लंग्स हेल्प अस ब्रीद इन एयर। लंग्स जो है वो हमें सांस लेने में मदद करता है, तो ये बिल्कुल सही है ना, तो उसके लिए लिखेंगे T। नंबर 5 पर है, द लिवर इज शेप्ड लाइक अ बीन। लिवर जो है उसका शेप कैसा बताया है यहाँ पर? बीन के जैसा। जबकि बीन के जैसा शेप किसका होता है? किडनीज का, है ना। मैंने बताया था ना कि राजमा की जैसा उसका शेप होता है लाल कलर का। तो यहाँ पर जो लिवर लिखा हुआ है ये गलत है, उसकी जगह पर अगर किडनी होता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता, पर यहाँ पर लिवर लिखा हुआ है कि लिवर का शेप जो है वो बीन के जैसा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर F फॉर फॉल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमको दिखाना है, कौन सी ब्लैंक में क्या मिसिंग है वो लिखना है। नंबर 1, आवर एक्सटर्नल पार्ट्स हेल्प अस डू मैनी एक्टिविटीज़। ACTIVITIES, एक्टिविटीज़। हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट्स जो है वो हमें बहुत सी एक्टिविटीज़ करने में मदद करते हैं। एक्टिविटीज़ जैसे कि राइटिंग, रीडिंग, कुकिंग,
जंपिंग, प्लेइंग, है ना, ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स हमारी मदद करते हैं, जैसे कि आइज़ जो है वो देखने के काम करती है, ईयर्स जो है वो सुनने का काम करता है, देन हैंड्स जो है वो राइटिंग, आँखें जो है वो रीडिंग करती है, लेग्स जो है वो वॉकिंग करते हैं। इस तरह से हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करते हैं। नंबर टू है द ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। द ब्रेन टेल्स द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी द टास्क दे हैव टू डू। हमारी बॉडी के जो सारे पार्ट्स हैं उसको ब्रेन जो है वो मैसेज पहुंचाती है कि तुमको ये काम करना है। अगर हमको कोई काम करना है तो पहले वो मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है और फिर ब्रेन वहां से दूसरे पार्ट्स को मैसेज देता है कि हमको ये एक्टिविटी करनी है। ओके, नाउ नंबर थ्री पर है द स्टमक हेल्प अस डाइजेस्ट, DIGEST, डाइजेस्ट द फूड वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने का काम हमारा स्टमक करता है, है ना। ओके, नाउ नंबर फोर पर है द स्किन कवर्स द मसल्स ऑफ अवर बॉडी। मसल्स यानी हमारी बॉडी के अंदर जो गोश्त के टुकड़े हैं, है ना, जो गोश्त का पार्ट है उसे मसल्स कहते हैं। तो हमारे जो गोश्त के पार्ट को, बॉडी का जो मसल्स है उसको जो हमारी स्किन है वो ढांक लेती है, कवर कर लेती है। तो यहाँ पर स्किन कवर्स द मसल्स ऑफ अवर बॉडी। तो चलो बच्चों, आज हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स दो चीज़ समझी और सीखी है और इसको हमको नोटबुक में लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इवन इफ एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स और थ्रू व्हाट्सएप, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, टेक केयर, थैंक यू।